हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डार्कनेस फॉल्स मूवी की। एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। वेल, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब डार्कनेस फॉल्स मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। कहते हैं कि लगभग 150 साल पहले डार्कनेस फॉल्स नाम के शहर में मटिल्डा नाम की एक औरत रहती थी। बच्चे मटिल्डा से बहुत प्यार करते थे। जब भी किसी बच्चे का दांत टूटता तो वह उस टूटे दांत के बदले मटिल्डा से सोने का सिक्का ले जाता था। इसी वजह से सब लोग मटिल्डा को टूथ फेरी कहने लगे, पर खुदा को शायद यह मंजूर नहीं था। एक दिन मटिल्डा के घर आग लगी, जिसमें मटिल्डा का चेहरा बुरी तरह से जल गया। अब इसी वजह से मटिल्डा को रोशनी में तकलीफ होने लगी, इसलिए मटिल्डा अब सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकलती थी, और वो भी एक नकाब पहनकर, जिससे कोई उसका डरावना चेहरा ना देख सके। अब डार्कनेस फॉल्स शहर में दो बच्चे गायब हो गए, तो सब ने मटिल्डा पर शक करके उसे बंदी बना लिया और उसके नकाब को निकालकर उसे तड़पा कर फांसी पर लटका दिया। दूसरे दिन वह दोनों मिसिंग बच्चे शहर में वापस आ गए, पर मटिल्डा ने मरते वक्त पूरे डार्कनेस फॉल्स शहर के लोगों को यह श्राप दिया कि वो वापस आकर जरूर बदला लेगी। उस हादसे के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस रात कोई बच्चा अपना आखिरी दूध का दांत खोता है, उस रात मटिल्डा उससे मिलने आती है, और अगर कोई उसका चेहरा देख ले तो वह उसे मार देती थी। अब दूसरे सीन में काइल नाम के लड़के को दिखाया गया है। उसका आखिरी दूध का दांत टूट चुका था। अब रात के वक्त काइल की मॉम उसे गुड नाइट कहकर चली जाती है। काइल ने वह टूटा हुआ दांत कुशन के नीचे रख दिया था। अब काइल को मिले उसकी फ्रेंड एना आती है। एना काइल से कहती है कि कल सुबह हम लोग साथ में स्कूल जाएंगे। इतना कहकर एना वहां से चली जाती है। अब काइल सो रहा था तभी उसे वहां किसी की आहट महसूस होती है। जैसे ही वह उठने की कोशिश करता है तो वहां पर उसे नकाब पहने हुए मटिल्डा की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। काइल की चीख सुनकर उसकी मॉम उसके पास आती है। काइल अपनी मॉम से कहता है कि उसने घर में किसी को देखा, उसने नकाब पहना हुआ था। काइल अपनी मॉम से कहता है कि रोशनी में रहना, पर काइल की मॉम उसे कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। वो काइल को समझा रही थी तभी वहां फिर से मटिल्डा आकर काइल की मॉम को पकड़ लेती है। उस वक्त काइल वहां से भागकर वॉशरूम में आ जाता है। वही मटिल्डा ने काइल की मॉम को भी मार डाला था और अब वो काइल के पास आना चाहती थी। काइल देखता है कि वह बुरा साया उसके पास आना चाहता था, पर रोशनी की वजह से वह उसके पास नहीं आ सकती थी। मटिल्डा बाहर अंधेरे में थी और काइल का इंतजार कर रही थी। अब दूसरे दिन वहां पर पुलिस आ चुकी थी। काइल की मॉम की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। वही सबको यही लगा था कि शायद काइल मेंटली डिस्टर्ब था और उसी ने गुस्से में आकर अपनी मॉम को मारा था। वहां पर एना भी थी जो काइल की ओर देख रही थी। काइल अभी बच्चा था तो उसे चाइल्ड इंस्टीट्यूशन पर ले जाते। अब 12 साल बाद की स्टोरी दिखाई गई है। वहां पर एना को दिखाया गया है जो डॉक्टर से अपने छोटे भाई की बीमारी के बारे में बात कर रही थी। एना कहते हैं कि उसका भाई अंधेरे से बहुत डरता है और किसी चीज से डर कर चिल्लाने लगता है, पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि उन्होंने एना के भाई के सभी रिपोर्ट कर लिए, उन्हें सब रिपोर्ट नॉर्मल मिले है। वही एना भी देखते है कि उसके भाई माइक के हाथ पर किसी के नाखून के निशान थे। माइक बस यही कह रहा था कि अगर अंधेरा हुआ तो वह उसे मार डालेगी। एना भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर क्या किया जाए, तो एना काइल को कॉल करती है और उसे कहती है कि उसका छोटा भाई माइक चैन से नहीं सो पा रहा और किसी से डरकर चिल्लाने लगता है, वही वह अंधेरे से भी डरता है। एना काइल से कहती है कि तुम्हें भी अंधेरे से डर लगता था, तो अगर हो सके तो माइक की मदद कर दो। यह सुनकर काइल माइक की मदद करने के लिए डार्कनेस फॉल्स शहर में आता है। काइल माइक के पास आकर एक टॉर्च उसे देता है। माइक काइल से कहता है कि वह साया रोशनी से डरता है। वही काइल एना से भी मिलता है। काइल एना से पूछता है कि क्या माइक का आखिरी दूध का दांत टूटा था, तो एना कहती है कि हाँ, पर इसका माइक के ऐसे बिहेव से क्या मतलब है। अब काइल और एना बात कर रहे थे तभी वहां पर उनका लैरी नाम का एक फ्रेंड आता है। काइल को 12 साल बाद इस शहर में देखकर वह चौंक जाता है। अब काइल 12 साल बाद उन्हें मिला था तो लैरी सबको अपने घर डिनर के लिए इनविटेशन देता है, पर एना कहती है कि उसे अपने भाई के पास रुकना पड़ेगा। तो लैरी काइल को अपने साथ लेकर एक क्लब पर आता है। वहां पर सबको यही लगता था कि काइल ने ही अपनी मॉम को मारा था, तो काइल को वहां देखकर रे नाम का शख्स उससे झगड़ा करता है और लड़ते हुए वह दोनों पास के एक जंगल में आ जाते। उस वक्त काइल वहां से टॉर्च लेकर चला जाता है।
वही रे वहाँ पर खड़ा था। तभी वह टूथ फेरी मटिल्डा उसे अपने साथ ले जाती है। अब वहाँ पर लैरी पुलिस टीम लेकर आता है। उन्हें वहाँ रे की चीख सुनाई देती है तो वो लोग लैरी को ढूंढने में लग जाते हैं। पर तभी रे की लाश लैरी पर आकर गिरती है। वही काइल भी अब एना के पास उस हॉस्पिटल में आ गया था। काइल एना से कहता है कि माइक को उजाले में रखना, पर तभी पुलिस वहाँ आकर काइल को अपने साथ ले जाती है। अब वहाँ पर काइल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। ऑफिसर काइल से कहता है कि आज रात को ही तुम्हारे और रे के बीच झगड़ा हुआ था और फिर पुलिस टीम को रे की डेड बॉडी मिली। रे को बेरहमी से मार दिया गया था। ऑफिसर काइल को रे की डेड बॉडी के फोटोग्राफ भी दिखाते हैं, पर काइल उन्हें कहता है कि उसने रे को नहीं मारा। पर ऑफिसर को काइल पर भरोसा नहीं था तो वह उसे जेल में डाल देते। पर लैरी वहाँ आकर काइल को जेल से छुड़ा लेता है। काइल लैरी से कहता है कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल में माइक के पास ले जाओ। वही दूसरी ओर माइक अब भी अंधेरे से डरकर सो नहीं पा रहा था, तो डॉक्टर एना से कहती है कि हमें अब माइक पर एक एक्सपेरिमेंट करना होगा क्योंकि माइक अंधेरे से डरता है और उसका यह डर निकालना जरूरी है। तो डॉक्टर कहते हैं कि माइक को एक अंधेरे कमरे में थोड़े वक्त के लिए बंद करना होगा, जिससे आखिर में वह समझ जाएगा कि उसे कोई हर्ट करना नहीं चाहता, यह सिर्फ उसका डर था और फिर माइक ठीक हो जाएगा। एना भी जानती थी कि माइक अंधेरे से डरता है, पर डॉक्टर की बात मानकर वह माइक को अंधेरे कमरे में रखने के लिए रेडी हो जाती है। वही दूसरी ओर लैरी और माइक हॉस्पिटल की ओर आ रहे थे। अब अंधेरा भी वहां हो गया था। तभी अचानक से उनकी कार के आगे से कोई गुजरता है, जिससे कार सीधा एक पेड़ से टकराती है। उस वक्त काइल कार से उछलकर बाहर गिरता है। लैरी उसी कार में था। तभी वहां टूथ फेरी आकर उसे खींचकर ले जाती है। काइल के पास टॉर्च थी, जिससे टूथ फेरी उसके पास नहीं आ सकती थी। आखिर काइल कार लेकर वहां से चला जाता है। वही हॉस्पिटल में माइक को अंधेरे कमरे में रखने की तैयारी की जा रही थी, पर तभी वहां काइल आकर उन्हें रोक लेता है। वो एना से कहता है कि माइक को अंधेरे में रखोगी तो वो मर जाएगा। अब वहां पुलिस आकर काइल को पकड़ लेती है। अब काइल को फिर से जेल में लॉक किया जाता है, पर उस वक्त पूरे शहर की लाइट चली जाती है। यह देखकर काइल समझ गया था कि अब टूथ फेरी यहाँ पर आने वाली है। वही उन्हें वहां पर कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है, तो मार्क नाम का पुलिस ऑफिसर उस आवाज की ओर आता है। पर थोड़ी देर बाद सबको मार्क की चीख सुनाई देती है, तो सब लोग मार्क को बचाने के लिए उस ओर जाते है। पुलिस स्टेशन में इमरजेंसी लाइट अभी चालू थी। वही काइल के सामने एक ऑफिसर बैठा हुआ था। उस ऑफिसर पर भी टूथ फेरी हमला करती है। आखिर वहां पर सब लोग आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर उनका एक ऑफिसर घायल था। काइल उन्हें कहता है कि अंधेरे से दूर रहना, पर तभी टूथ फेरी फिर से वहां आकर एक एक करके सभी ऑफिसर को मारने लगती है। काइल वहां पर घायल ऑफिसर से अपने सेल की चाबी ले लेता है और वहां से बाहर आ जाता है। काइल उस वक्त अपनी टॉर्च ऑन करता है तो टूथ फेरी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में भी लाइट नहीं थी, तो माइक एक टॉर्च लेकर नीचे बैठा हुआ था। वो एना से भी कहता है कि टूथ फेरी यहाँ आएगी और हमें मार देगी। अब टूथ फेरी भी उसी हॉस्पिटल में आ चुकी थी। वो एना और मार्क के पीछे थी, तो वह दोनों वहां से भागते और एक कमरे में आकर छिप जाते। काइल भी राइट टाइम पर वहां आकर फ्लेयर लाइट टूथ फेरी पर फेंकता है, तो टूथ फेरी वहां से चली जाती है। अब काइल एना और माइक को लेकर एलिवेटर से नीचे आ जाता है। वह टूथ फेरी मटिल्डा भी उनके पीछे थी। आखिर वो लोग एलिवेटर से बाहर आ जाते हैं। वहां पर दो नर्स और एक डॉक्टर भी था। वही हॉस्पिटल की इमरजेंसी लाइट भी अब जल्द ही बंद होने वाली थी। काइल वहां सबको कहता है कि अगर हॉस्पिटल में अंधेरा छा गया तो सब लोग मारे जाएंगे। अब काइल के साथ सब लोग धीरे धीरे रोशनी में आगे बढ़ रहे थे, पर तभी वहां अचानक लाइट बंद हो जाती है और उस वक्त मटिल्डा वहां आकर एक नर्स को अपने साथ ले जाती है। अब वो सब वहां से बाहर निकलने के लिए सीडीओ के पास आते है, पर वहां भी अब लाइट बंद होने लगी थी। अब काइल डॉक्टर और वह नर्स नीचे आ रहे थे। उस वक्त टूथ फेरी वहां फिर से आकर दूसरी नर्स को ले जाती है। वहां से भागते वक्त काइल नीचे गिर जाता है। तभी टूथ फेरी उसके पास आती है, पर टूथ फेरी काइल पर हमला कर सके उससे पहले वहां पर एक पुलिस ऑफिसर अपनी कार लेकर आता है। वहां कार की लाइट की रोशनी से डर कर टूथ फेरी वहां से चली जाती है। सब लोग उस टूथ फेरी से बचकर कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर सबको अपने साथ लेकर लाइट हाउस जा रहा था, क्योंकि वहां पर एक केरोसिन से चलने वाली बहुत बड़ी लाइट थी, जिससे वह टूथ फेरी से बच सकते थे। पर अभी रास्ते में वो लोग सेफ नहीं थे। टूथ फेरी उनके कार के कांच तोड़ने लगती है और वह उस डॉक्टर को भी अपने साथ ले जाती है।
वही उसके हमले से कार भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पर उसी वक्त एना टॉर्च की रोशनी से टूथ पेरी को वहां से भगा देती है। आखिर वो सब उस लाइट हाउस पर आ गए थे, उन्होंने बड़ी लाइट चलाने के लिए केरोसिन भी डाल दिया था। अब वो सब सीढ़ियों से ऊपर उस बड़ी लाइट के करीब आ गए थे, पर लाइट अभी बंद थी। पुलिस ऑफिसर काइल को कहता है कि शायद केरोसिन उस लाइट तक नहीं पहुंच रहा, तो काइल उस ऑफिसर को लेकर नीचे लाइट ठीक करने के लिए आता है। उनके पास लालटेन थी जिसे रोशनी की वजह से वो लोग टूथ फेरी से अभी सेफ थे। काइल और ऑफिसर नीचे आकर देखते तो वहां पर केरोसिन की पाइप लीकेज थी। वहां पर लीकेज की वजह से चारों ओर केरोसिन फैला हुआ था। काइल वहां आकर उस लीकेज पाइप को ठीक कर रहा था, पर उसी वक्त लालटेन की रोशनी कम होने लगती है और वहां टूथ फेरी आकर ऑफिसर को ले जाती है। हमले से काइल भी नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। वही दूसरी ओर एना और माइक के पास भी लालटेन की रोशनी कम होने लगती है। टूथ फेरी वहां आकर सब कांच तोड़ने लगती है और उन दोनों पर हमला करती है, पर एना और माइक वहां से कूद कर नीचे काइल के पास आ जाते हैं। नीचे थोड़ी रोशनी थी जिसकी वजह से टूथ फेरी कुछ नहीं कर सकती थी, पर काइल समझ गया था कि वह ज्यादा देर तक टूथ फेरी को नहीं रोक पाएंगे, तो काइल उस बड़ी लाइट की स्विच ऑन करने की कोशिश करता है, पर वहां तक वह नहीं पहुंच पा रहा था। तो माइक उस स्विच को ऑन करने के लिए आगे बढ़ता है। वही टूथ फेरी भी अब वहां काइल की ओर आगे बढ़ रही थी, पर तभी माइक उस स्विच को ऑन कर देता है। वहां पर रोशनी से टूथ फेरी तड़पने लगती है और वहां से चली जाती है। काइल माइक और एना को लेकर वहां से निकलने की तैयारी करता है, पर वहां फिर से टूथ फेरी आकर काइल को पकड़ लेती है। उस वक्त काइल मटिल्डा का नकाब निकाल देता है। अब वहां पर मटिल्डा का जला हुआ डरावना चेहरा दिखाया गया है। वह काइल को मारने की कोशिश करती है, पर उस बड़ी लाइट की रोशनी भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, तो उस रोशनी की वजह से टूथ फेरी मटिल्डा का चेहरा जलने लगता है। आखिर वहां काइल उस लाइट की आग से अपनी टी शर्ट पर आग जलाकर मटिल्डा के चेहरे को जला देता है, जिससे मटिल्डा काइल को छोड़ देती है। अब आग की वजह से मटिल्डा बुरी तरह से जलने लगती है। आखिर वहां पर मटिल्डा खत्म हो जाती है। वही काइल, माइक और एना भी अब सेफ थे, और बस यही पर डार्कनेस फॉल्स मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2003 में रिलीज हुई डार्कनेस फॉल्स फिल्म को IMDb पर 5/10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 9% एंड ऑडियंस स्कोर 34% मिला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।